हिटमैन ने खेली सुपर हिट पारी, दिल्ली की टीम लगातार चौथा मैच हारी, रोहित ने ठोकी तूफानी 50, मुंबई को दिलाई आईपीएल 2023 की पहली जीत। सीजन की शुरुआत में लगातार हार के बाद आखिरकार मुंबई इंडियंस को पहली जीत नसीब हो ही गई। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक उतार चढ़ाव भरे मैच में रोहित शर्मा के बेहतरीन अर्धशतक के दम पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में मुंबई के दो महंगे खिलाड़ियों कैमरन ग्रीन और टिम डेविड ने आखिरी 19 गेंदों में 30 रनों की साझेदारी कर मुंबई इंडियंस की टीम को पहली जीत तक पहुंचाया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने खेली तूफानी पारी। पिछले करीब 2 साल से आईपीएल में एक भी अर्धशतक लगा पाने में नाकाम रहे मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी ही कही हुई बात को खुद आगे बढ़कर लागू किया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में टीम की हार के बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि सीनियर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और इसकी शुरुआत खुद रोहित शर्मा ने ही की। रोहित ने यह करके दिखाया और इस मुकाबले में सिर्फ 29 गेंदों में एक ताबड़तोड़ अर्धशतक जमाया। रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 45 गेंदों में 65 रन बनाए और 6 चौके और 4 छक्के लगाए। इस दौरान रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 144.44 का रहा। मुंबई की धमाकेदार शुरुआत। रोहित ने पहले ओवर में ही 14 रन कूट कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। रोहित और ईशान ने पहले विकेट के लिए 7.3 ओवरों में 73 रनों की विस्फोटक शुरुआत की। एक गलतफहमी की वजह से ईशान किशन रन आउट हो गए। रोहित ने हालांकि इसके बावजूद अपना जलवा दिखाना जारी रखा और 2021 के बाद आईपीएल में पहला अर्धशतक जमा दिया। आखिरी ओवरों में हुआ जबरदस्त ड्रामा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को तिलक वर्मा से भी अच्छा साथ मिला और दोनों ने अगले 8 ओवरों में 68 रन ठोककर मुंबई की जीत की राह आसान कर दी। फिर 16वें और 17वें ओवर में मैच पलटता दिखा। मुकेश कुमार के ओवर में तिलक वर्मा ने लगातार 3 बाउंड्रियों के साथ 16 रन बना लिए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर वो आउट हो गए। फिर अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से गोल्डन डक का शिकार हो गए। अगले ही ओवर में विकेटकीपर अभिषेक पोरेल ने रोहित का जबरदस्त कैच लपक लिया। यहां से टिम डेविड और कैमरन ग्रीन ने टीम को गिरते पड़ते जीत तक पहुंचाया। दिल्ली ने आखिरी ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की। 18वें ओवर में पेसर एनरिक नोकिया ने सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन 19वें ओवर में ग्रीन और डेविड ने एक एक छक्का जड़ दिया। दिल्ली फिर हुई फेल। दिल्ली कैपिटल्स की पारी की बात करें तो इसने एक बार फिर से निराश किया। टॉप ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक लगातार टीम के बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते रहे। एक बार फिर कप्तान डेविड वार्नर जूझते हुए नजर आए और उन्होंने अक्षर पटेल के साथ 67 रनों की साझेदारी कर टीम को 172 रनों तक पहुंचाया। हालांकि ये स्कोर भी मुंबई इंडियंस के सामने बौना साबित हुआ और मुंबई इंडियंस ने इस सीजन की पहली जीत दर्ज कर ली और दिल्ली कैपिटल्स के हाथ लगी लगातार चौथी हार। दोस्तों, मुंबई की टीम ने सीजन का पहला मुकाबला तो जीत लिया है, अब आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की गाड़ी पटरी पर लौट पाएगी? क्या मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से आईपीएल का खिताब जीत पाएगी? क्या 6ठी बार रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को आईपीएल का चैंपियन बना पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।